कि अभी तक आप लोग को गेम पे मिलेगा भी नहीं, तो कैसा लगता है रेंगल 2.0 और उसका गेम प्ले कैसा होने वाला है और आपको कैसे कैसे ग्राफिक देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और पहली गेम प्ले की वीडियो है, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। और हाँ, आज रात को 9 बजे मैं इस चैनल पे ऊपर जो आई सेक्शन में आ गया वहां पे रेंगल 2.0 की लाइव करूंगा रात 9 बजे से, तो सब लोग ज्वाइन कर लेना मेरे लाइव चैनल को मिस्टर साइबर स्क्वाड इज लाइव। आई सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और भाई ग्राफिक देख सकते हो कितने खतरनाक है। और हाँ गाइस, गिव अवे अभी तक मैंने नहीं दिया है, वो जो लोग मेरे पॉपुलरिटी में 4 बंदे हैं तो मैं उन लोग का यूसी दे दूंगा आज या कल तक में। सॉरी इतना डिले करने के लिए, लेकिन थोड़ा घर में पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण ये सारी चीजें नहीं हो पाई। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मिलिट्री बेस से। अब यहाँ पे आप लोग को ऊपर से देख के कैसा लग रहा है लिटरली भाई, आप कमेंट करके बताना पूरी वीडियो देखने के बाद कि आप लोग को रेंगल 2.0 अच्छा लगा या खराब लगा, और अच्छा लगा तो कौन सा हॉट ड्रॉप आपको अच्छा लगा या फिर क्या आप लोग को खराब लगे इस मैप की बात। तो यहाँ पे भाई टोटल आप देख सकते हो, टोटल मतलब अल्ट्रा HD मोड का 2.0 का जो भाई क्या ही ग्राफिक है। तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो, ये है हमारा मेरा फेवरेट पर्सनल हॉट ड्रॉप मिलिट्री बेस। यहाँ पे मैं उतरता हूँ भाई, बिल्डिंगें देखो चकाचक एकदम हो रखी है, और अल्ट्रा HD मोड फीचर भाई क्या ही जबरदस्त दिख रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अभी इसमें बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह हैं और भाई अभी तक इसमें मैंने ठीक से सेटिंग भी नहीं करके रखी कंट्रोल की, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ देखो सामने एक बॉट आ जाता है भाई। अब यहाँ पे ना इस मैप में भी बहुत लोग रियल प्लेयर खेल रहे हैं ये मैप, तो अब देखो भाई लास्ट में इसमें भी आप लोगों को बीटा मोड में भी आपको 1v4 क्लच देखने के लिए मिलेगा। तो चलो यार ये मिलिट्री बेस की सी बिल्डिंग को अंदर से चल के देख लेते हैं। अब भाई असली बंदे आ जाएंगे लिटरली, मेरे को लगा कोई नहीं खेल रहा होगा, लेकिन भाई क्या ही लास्ट में फाइट होगी। आप लोग बस देखना, आपको मजा आ जाएगा, मैप देखने के साथ साथ फाइट भी देख लोगे आप लोग। तो यहाँ पे भाई क्या ही ओपी कर दिया है अंदर, मुझे तो भाई मिलिट्री बेस की सी बिल्डिंग बहुत पसंद है, और यहाँ पे भाई सी बिल्डिंग को कुछ अलग ही लुक दे दिया इन लोगों ने जो कि काफी सही लग रहा है मुझे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अब व्हीकल भाई, व्हीकल जिसको हम बोलते हैं व्हीकल मतलब समझ गए ना, वो पागल वाला व्हीकल नहीं। तो यहाँ पे हम गाड़ी को लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं टावर पे आता हूँ। अब टावर पे आने से पहले इस गाड़ी को म्यूजिक को बंद करते हैं। भाई टावर भी क्या ही सेक्सी मॉडिफाई किया इन लोगों ने, बस देखो तुम लोग। अब यहाँ पे टावर में इन्होंने टावर के नीचे एक लोहे का पूरा सरफेस लगा दिया है। अब यहाँ पे टावर पे ऊपर चढ़ के हम लोग देखते हैं भाई देखने में ऊपर से कैसा लगता है मिलिट्री बेस। तो यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं, ऊपर में कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन भाई मतलब काफी टावर को मजबूत सबजूत बना दिया गया है। तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा लूट वगैरह ले लें, क्योंकि किल फीड में भाई बंदों के नाम आ रहे हैं। अब ये देख सकते हो आप लोग क्या ही सेक्सी लग रहा है पूरा का पूरा एरिया। आप देखो वहाँ पे कुछ उन लोगों ने नया खड़ा किया है लेफ्ट साइड में, और भाई बहुत मस्त लग रहा है टावर। तभी यहाँ पे नीचे एक बॉट आता है और भाई गलती से मैं नीचे गिर जाता हूँ। देखो अब यहाँ पे आप लोग को अभी एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आगे एक सेटिंग करूँगा जिससे ना रेड डॉट के अंदर कुछ एक रेड कलर का दिखने लगता है। अब यहाँ से मिलिट्री बेस का तो हो गया, अब गाड़ी लेके निकलते हैं भाई सबसे पहले तो अब जॉर्जो पुल में, फिर पहुँचेंगे फिर स्कूल। तो यहाँ पे अब आप लोग देखो भाई क्या ही मतलब पहाड़ों का भाई क्या ही बना दिया भाई, डिज़ाइन कर दिया, मतलब मुझे तो लिटरली रेंगल 2.0 काफ़ी पसंद आ रहा है। अब देखना ये होगा कि मतलब बैलेंस मोड में या फिर लो ग्राफिक मोड में ये आखिर दिखता कैसा है मैप। तो यहाँ पे तो मैं अल्ट्रा HD मोड पे खेल रहा हूँ भाई, भाई ब्रिज देखो बस तुम लोग, भाई क्या ही ओपी लग रहा है। और पानी देखो, मतलब ग्राफिक देख रहे हो एकदम से PC गेम्स के जैसे ग्राफिक कर दिए थोड़े दिन में, तो एमचंद भाई 4GB 5GB रैम में भी पबजी मोबाइल ना चलेगा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे पानी ओपी, ग्राफिक वो ओपी भाई, सब कुछ ओपी लग रहा है। उसके बाद यहाँ से हम आते हैं जॉर्जो पुल में, और भाई सबसे फेवरेट स्क्वाड हाउस आप लोग देख सकते हो क्या कर दिया इन लोगों ने स्क्वाड हाउस को। तो स्क्वाड हाउस के अंदर से तो मैंने दिखाया नहीं अभी, लेकिन यहाँ पे अब टाइम आ गया जॉर्जो पुल को देखने को। भाई जॉर्जो पुल भी देख के ना क्या ही मजा आएगा आप लोग को, बस देखते रहो। तो यहाँ पे जॉर्जो पुल आ गए हम लोग, और चारों तरफ घास ही घास हो गई है, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे हम लोगों ने सोचा था कि भाई सैनॉक बना देंगे रेंगल 2.0 को, ये सैनॉक नहीं बना है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी मॉडिफिकेशन किया है इन लोगों ने। और ये जो टावर थे ऊपर वाले, ये भी टोटल चेंज कर दिया, अंग्रेजों के ज़माने के टावर और अंग्रेजों के ज़माने के वेयर हाउस। अब यहाँ पे वेयर हाउस के पास इन्होंने पता नहीं एक रॉड सी लगा दी, मतलब एक पट्टी लाइन लगा दी है,
अब ये अंदर से आप लोग देख सकते हो पूरा पूरा ये जो वेयर हाउस वगैरह इन्होंने मॉडिफाई किए, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक हाई ग्राउंड लुक आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टावर से पूरे के पूरे जॉर्जो पुल का। अब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आपका फेवरेट हॉट ड्रॉप कौन सा है और भाई क्या कौन सा मतलब आपको ओपी लगा एरेंगल 2.0 में। तो यहाँ से ऊपर से देखने में काफी सही लग रहा था जॉर्जो पुल। अब यहाँ पे अंदर देखो, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आने वाली है कि जो लोग भाई मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते थे भाई, वही वाली टिप्स एंड ट्रिक्स कि यहाँ कोने में बैठ जाओ, यहाँ से चढ़ के चले जाओ, तो वो अब ये लोग वेयर हाउस के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों को रेड डॉट के अंदर एक चीज नहीं दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक इफेक्ट सेट करने वाला हूँ। यहाँ पे अभी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो इफेक्ट सेट करने के बाद ना आपको रेड डॉट के अंदर भी रेड कलर का दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे ये वाले घर बहुत ज्यादा फेमस है जॉर्जो पुल से निकलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत सबसे पहले तो बॉट से थोड़ा मजा लेते हैं, तो ये बॉट से मैं थोड़ा मजा लेता हूँ भाई कि इधर उधर मारता हूँ इसको, तो बॉट भाई यहाँ पे पैनिक हो जाता है, बॉट भी पैनिक ले, पैनिक बॉट को मारने का मजा कुछ और है। मैं इस बॉट को मारने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे रुकने का मैं आप लोग को आगे मोटिव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा मॉली का इफेक्ट भी देख लें, तो यहाँ पे मॉली भी काफी सही लग रहा है, थोड़ा अपग्रेड किया मॉली में। अब नेड में देख रहा था तभी सामने से एक और बॉट आता है, अब नेड का इफेक्ट भाई धुआं काफी ऊपर तक जा रहा है। अब ये देखो, अब इन लोगों ने यहाँ पे बीच में कुछ ऐसी चीजें लगा दी हैं जिससे कि आप लोग जब फाइट ले रहे होगे ना, तो वहां पे आपको प्रोन होके अच्छा खासा कवर देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको और कवर दिखाता हूँ, तो ये छोटे छोटे कवर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे जब आपका एनिमी आपके सामने से फाइट ले रहा हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, तभी पीछे से एक और बॉट भैया आ जाते हैं, और जैसे ही भाई इनको मारने का ट्राई करेंगे तो देखना भाई यहाँ पे भैया मेरे ग्रेनेड के साथ फुटबॉल खेलने वाले। देखो अब तुम लोग बस ये कैसे ग्रेनेड से फुटबॉल खेलेंगे, ये देखो। अब भाई मेरे ग्रेनेड फेंका इस पे, इसने किक कर दिया ग्रेनेड, मेरे पास ही आ गया, मेरी आधी हल चली गई, तभी मेरे को कहीं दूर से भाई फायर आया। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस गेम में असली बंदे भी हैं। अब यहां पे देखना रेड डॉट को, ध्यान से देखना आप लोग रेड डॉट में, आप देखो ये देखो, तो यहां पे वो इफेक्ट एक सेटिंग में इफेक्ट रहता है, उसे ऑन करने के बाद आपको रेड डॉट में एक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आपने देखा होगा रेडिस रेडिस था थोड़ा सा दिख रहा था। तो उसके बाद आते हैं भाई अब पोचिंकी में, मिलिट्री हो गया, जॉर्जो पुल हो गया, भाई पोचिकनी तो लिटरली ओपी होने वाली है। अब यहाँ जब मैं पोचिकनी आता हूँ तो भाई क्या ही सीन लग रहा था, लेकिन आगे मैं देखता हूँ भाई इतनी लाश है, मैंने सोचा सारे बॉट होंगे, लेकिन भाई यहाँ पे गाड़ी देखो, गाड़ी भी ब्लास्ट कर दी थी किसी ने पूरी। तो भाई यहाँ पे पोचिकनी में तगड़ा फाइट सीन हुआ था। अब मैं यहाँ से जाता हूँ स्कूल बचा हुआ है यहाँ पे, और नोवो भी बचा हुआ था, नोवो हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन नोवो और जॉर्जो सेम ही दिखते हैं, तो मैंने सोचा जॉर्जो ज़्यादा फेवरेट है लोगों का। तो यहाँ पे स्कूल आता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखो स्कूल में देखो, स्कूल को क्या ही बना दिया है भाई, अंग्रेजों के ज़माने का टेलर मतलब स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल अब सही हो गया है, तो जो बच्चे भी पढ़ना वढ़ना चाहते हो तो आप लोग ये पबजी मोबाइल का स्कूल बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, इससे आपकी पढ़ाई में इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वहाँ पे स्कूल से निकलने के बाद यहाँ से गाड़ी चेंज करते हैं, क्योंकि ये डासिया पे एक भी तेल नहीं बचा था गैस। तो यहाँ पे जब मैं लेके निकलता हूँ बग्घी, तो अब यहाँ पे वो फाइट सीन होने वाला, जितने भी अब 5 बंदे बचे हुए सारे के सारे बंदे जो है तो बॉट नहीं है, सारे सारे बंदे जिंदा है, और ये लोग भी बीटा वर्जन खेल रहे थे। और हाँ, रात में मैं लाइव करूँगा बीटा वर्जन की 9 बजे से, इस आई सेक्शन में जाके आप लोग चैनल पे जाके आ सकते हो लाइव सेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं जैसे बग्घी घुमा रहा था, पहले तो मुझे बंदा स्पॉट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे डासिया थी, मुझे पता था बंदा होगा, तब वो मेरे पे फायर लेता। तो मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ सबसे पहले तो बंदे की लोकेशन देखने के लिए, फिर उसके बाद ऊपर आके मैं यहाँ पे लोकेशन पता करता हूँ, और फिर उसके बाद भाई चलो चलते हैं बंदे को पेलने। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई अलग ही सीन हो जाता है, यहाँ पे एक यूएसए डासिया और सारे जितने भी बंदे जिंदा रहते सब यहीं पे आने वाले हैं। अब देखो, अब भाई ये सी बिल्डिंग मतलब ये जो बिल्डिंग्स हैं अपार्टमेंट्स की, ये काफी ओपी है। अब आपने देखा होगा रेड डॉट में हल्का हल्का रेड रेड आ रहा है, वो काफी सही लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे वो यूएसएड वाला निकल गया बंदा, तभी पीछे से एक डासिया एक बंदे के मेरे को फुट्स आए। अब देखो इसे कैसे भरते, अब इस टीम के 2 बंदों को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी बंदे ऑल पे बोलेंगे भी कुछ, देखना।
यहाँ पे ये दोनों अलग थे, इनका इनके दो बंदे अलग थे, छत वाला बंदा अलग था। अभी ऑल पे कुछ बोल रहा था लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं माइक ऑल पे करना चाह रहा था लेकिन जैसे ही मैं माइक ऑल पे कर रहा था इसके टीममेट ने मेरे पे फायर किया, टीममेट ने भाई, मैं बोला भाई घंटा नहीं छोड़ने वाला, मैं छोड़ने वाला था, मेरे को तो मार दिया भाई, बोल रहा है मेरे को मार दिया भाई। तो यहाँ पे एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का क्लच देखने को मिलेगा आप लोग को, बस देखो तीन बंदे नॉक, दो बंदे फिनिश, एक बंदा और बचा, अब लास्ट वन, अब देखो कर दिया फिनिश। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा। अब जो बंदा छत में कूद रहा था ना टपा टप टपा टप, तो भाई वो इनका यही बंदा था, इन्हीं की टीम मेंबर था, इन्हीं का टीम मेंबर, तो वो हील कर रहा था भाई जंप करके, तो उसको भर दिया। अब इनका लास्ट बंदा बचा हुआ है, तो अब देखो वो बंदे को मैं वहां पे देखता हूँ। अब भाई इसमें मुझे ना डैमेज इफेक्ट जो रेड कलर का दिख रहा है ना वो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को आखिर लग कैसा रहा है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो वो बंदा सामने पत्थर के पीछे आ जाता है और मेरे पे ग्रेनेड्स वगैरह करने लगता है भाई। तो अब इस बंदे और मेरे बीच भाई बहुत तगड़ी और बहुत देर तक फाइट होगी, बस आप लोग देखो और बताना कमेंट करके क्या मैं ये मैच चिकन डिनर कर पाऊंगा या नहीं। भाई जब रेड डॉट लगा के फायर करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब वो रेड वाला एकदम बिंदी पे जाके फोकस कर रहा है भाई, जो कि काफी कूल लग रहा है यार देखने में। अब यहाँ पे वो बंदा सिर्फ सिर्फ एक पत्थर के पीछे था। अब ये देखो इफेक्ट आपने देखा होगा जो हीट इफेक्ट है वो कितना ही ज्यादा ओपी लग रहा है अल्ट्रा एचडी मोड में। तो आप लोग को अल्ट्रा एचडी मोड कैसा लगा, एरेंगल 2.0 कैसा लगा कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। जिन लोगों को भी अच्छा लगा एक लाइक कर देना और शाम को लाइव में आना बिल्कुल मत भूलना। तो यहाँ पे मैं नीचे कूदता हूँ, उसके बाद यहाँ पे उठाता हूँ इनसे लूट उट करता हूँ, और ये लास्ट बंदा था तो मैंने सोचा भाई अब मर भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे जाके इस बंदे पर रस करते हैं। तो सामने मैं स्मोक करता हूँ, स्मोक करके एक पेन किलर खाता हूँ, तभी भाई वो बंदा भी स्मोक करके और आगे की तरफ जाता है और यहाँ पे भाई इस बंदे को भर देते हैं सोल SJS को। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और भाई आप लोग को एरेंगल 2.0 कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। तो यार मिलते हैं शाम को लाइव में 9 बजे, आई सेक्शन में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी तो जाके विजिट कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जो लोग अभी तक देख रहे हो, और भाई यहाँ पे सीन देखो भाई क्या ही ओपी लग रही थी बिल्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड साइन।